गांधी को जवाब देना पड़ेगा, चोरी तो पहले से करते ही थे, अब वोट की चोरी करने आए हैं। बूथ कैप्चर करने राहुल गांधी पधारे हैं, अभी फुर्सतगंज आया और दूसरी तरफ से न्यूज आई है उनके बूथ कैप्चरिंग की। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, चोरी तो पहले से करते ही थे, अब वोट की चोरी करने आए हैं। बूथ कैप्चर करने राहुल गांधी पधारे हैं, अभी फुर्सतगंज आया और दूसरी तरफ से न्यूज आई है उनके बूथ कैप्चरिंग की। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, चोरी तो पहले से करते ही थे, अब वोट की चोरी करने आए हैं। बूथ कैप्चर करने राहुल गांधी पधारे हैं, अभी फुर्सतगंज आया और दूसरी तरफ से न्यूज आई है उनके बूथ कैप्चरिंग की। राहुल गांधी को जवाब देना। समीर सिंह जी, क्या अभी भी आज के भी इस युग में बूथ कैप्चरिंग हो रही है? राहुल गांधी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, स्मृति ईरानी डंके की चोट पर इसे बार बार कह रही है, और अभी पधारे हैं राहुल गांधी, पहले ही चोरी करते थे और अब बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई होगी, वो वहां मौजूद हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा का बयान आया, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से पहले भी होता रहा है और आज भी करने का प्रयास कर रहे होंगे, जिसको स्मृति ईरानी जी ने बताया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमेठी और रायबरेली की जिस प्रकार से कांग्रेस परिवार ने उपेक्षा की है सरकार में रहते हुए, अमेठी और रायबरेली उसका जवाब देने के लिए तैयार है और दोनों सीटें कांग्रेस हारेगी। प्रदीप जी एक मिनट, कांग्रेस हारेगी यह मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं। प्रदीप जी, बूथ कैप्चरिंग आपके नेता कर रहे हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगा रही हैं। अरे स्मृति ईरानी जी, मोना ईरानी जी ने क्या क्या आरोप? मैं आ रहा हूँ सर, एडीजी प्रशांत कुमार है मेरठ जोन के, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है अपनी पत्नी के संग।